प्रदेश के गन्ना मिल एवं चीनी उद्योग विभाग के मंत्री सुरेश पासी सोमवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। मंत्री सुरेश पासी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति के सभी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति PMS PSC की केंद्र प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है, ताकि सभी छात्र अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 59,048 करोड़ रुपए के निवेश को प्रदान किया है, जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए 60% राशि खर्च करेगी तथा 40% राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा प्रतिबद्धता प्रणाली को स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक रहेगी। उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा के छात्र अपनी इच्छा अनुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1.36 करोड़ ऐसे गरीब छात्र हैं जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को आगे जारी नहीं रख पाए। ऐसे छात्रों को अगले 5 वर्षों में उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह छात्रवृत्ति की राशि वर्ष 2017, 2018 से वर्ष 2019, 2020 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष थी, जिसे केंद्र सरकार ने 2020, 2021 से 2025, 2026 के दौरान 5 गुना से अधिक 59,048 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़ी संख्या में ऐसी छात्रों को लाभ पहुंचाने का काम करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के गन्ना मिल एवं चीनी उद्योग विभाग के मंत्री सुरेश पासी ने कहा, शुभ अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षापीठ के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। उसी क्रम में अनुसूचित समाज के जो बच्चे हैं, जो किन्हीं कारणों से उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, उनके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जात के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जात के संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति PMS SC की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तन के साथ अनुमोदित की है, ताकि वे अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ यानी 60% खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा प्रतिबद्ध देयता प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी और इस महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक रहेगी। SC जनसंख्या के शैक्षिक सशक्तिकरण एकल के क्षेत्र में SC छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक एकल हस्तक्षेप है। केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर GER उच्चतर शिक्षा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। मंत्रिमंडल ने इस स्कीम के उपयुक्त कार्यान्वयन पर अधिक जोर दिया है, ताकि समय पर भुगतान किया जा सके। व्यापक जवाबदेही, निरंतर निगरानी और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके, इस दिशा में मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित मुख्य संशोधन अनुमोदित किए हैं। गरीब से गरीब परिवार के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। अनुमान है कि 1,36,00,000 ऐसे सबसे गरीब छात्र जो वर्तमान समय में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं कर सकते, उनको अगले 5 वर्ष में उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यक्षमता तथा बिना विलंब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी।
राज्य पात्रता, जातिगत स्थित, आधार पहचान पत्र तथा बैंक खातों के ब्यौरों की ऑनलाइन पोर्टल पर अभेद्य जांच करेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण DBT मोड के माध्यम से और अधिमान्यता आधार सबल भुगतान प्रणाली का प्रयोग में लाया जाएगा। वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करते हुए इस स्कीम में केंद्र का अंश 60% निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों के बैंक खाते में DBT मोड के माध्यम से सीधे जारी किया जाएगा। निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा और सोशल ऑडिट तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिवर्ष मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अर्धवार्षिक स्वतः लेखा परीक्षित रिपोर्ट के माध्यम से किया जाएगा। केंद्रीय सहायता जो वर्ष 17-18 से 19-20 के दौरान 1100 करोड़ रुपए थी, उसे वर्ष 2021 से 25-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। राज्य सरकारें बड़ी संख्या में SC छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्यनीति को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर इस जिले के जिला महामंत्री सबल सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम दुलारे जी, अमरनाथ पासवान जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं और सबसे ज़्यादा हम अपने मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद देते हैं कि हमारी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आप लोगों के चैनल के माध्यम से कार्य होता है। जो सरकार की योजनाएं चलती हैं वो जनता तक पहुंचती हैं। इस कार्यक्रम में हमारे समाज कल्याण अधिकारी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। होती थी लेकिन धनराशि की मात्रा कम होती थी, जो 1100 करोड़ थी उसको 6000 करोड़ किया गया है। इसमें प्राथमिकता ये है कि ऐसे बच्चे जो 10वीं के बाद उस शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, जिनके माता पिता नहीं हैं, प्राथमिकता पर उनको लिया गया है कि उनकी शिक्षा किसी भी तरह बाधित न हो। सरकार सबके साथ साथ जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया है कि उनकी शिक्षा बाधित न हो। नहीं, ये स्कीम सबके लिए है। और पिछले वर्ष हम बात करें अगर 19-20 की, तो केवल गोरखपुर जनपद की OBC के 56,162 छात्रों को इसका लाभ मिला है। SC कैटेगरी के 31,710 छात्रों को लाभ मिला है। ST के 205 छात्रों को लाभ मिला है। और जनरल की बात करें तो 15,269 छात्रों को लाभ मिला है। जो केंद्र की धनराशि थी वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही थी, और विशेषतर उन छात्रों को इसमें लिया गया है जिनके माता पिता नहीं हैं कि वो भी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके। ये सब ये केंद्र वाली राशि क्या मिल चुकी है कि अभी आप लोग प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? ये केंद्र की राशि जो है 2021 से लागू होगी, यानी अप्रैल से लागू होगी। 6000 करोड़ रुपए केंद्र ने निर्धारित किया है। 60% केंद्र का रहेगा, 40% प्रदेश की धनराशि इसमें रहेगी। गन्ना की बात आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। 2017 चुनाव के पहले जो हम लोगों ने संकल्प पत्र हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उसमें किसान को प्राथमिकता पर रखा था कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा प्रदेश किसान यहाँ पर ज़्यादा हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक हम किसान की आय को दोगुना करेंगे। उस क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं बात करूं कि 2017 में जब प्रदेश में सरकार बनी तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब प्रथम कैबिनेट की बैठक किया तो जो हमारे संकल्प पत्र में था कि किसानों का हम कर्ज माफ़ करेंगे, तो पहली ही बैठक में उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी के कागजात पर दस्तखत किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 36000 करोड़ रुपए 86 लाख किसानों को कर्ज माफ़ी की धनराशि मिली, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चीनी मिल की बात आपने किया,
पिछली दो सरकारों में लगभग 19 से ज़्यादा चीले मिले बंद की गई थी, जिसमें हमारी गोरखपुर की भी थी, बस्ती की भी थी, ऐसे 19 चीनी मिले थी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन चीनी मिलों को हम चलाने का भी काम करेंगे। जब चीनी मिलें चलेंगी तो निश्चित ही किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। पिपराइस, मुडेरवा और रमाला की जो हमारी चीनी मिल थी उसकी क्षमता वृद्धि किया। आगे योजना है कि जितनी भी चीनी मिलें बंद हैं धीरे धीरे करके उनको हम सब चलाएंगे। देखिए, पिछले 10 वर्षों में जिस तरह चीनी मिलें बंद हुई थी, चीनी मिलों में जो किसान गन्ना दे देता था उसका भुगतान नहीं होता था। कारण ये था कि किसान जो है गन्ना में रुचि नहीं रखते थे। 2017 में हम लोग जब से आए, पिछले दो सरकारों का जो गन्ना भुगतान बकाया था उसको भी देने का काम किया। अभी 4 वर्ष नहीं पूरा हुआ है, 115 हजार करोड़ रुपए इन 4 वर्ष के अंदर ही माननीय योगी जी की सरकार ने भुगतान करने का काम किया। ये पिछली दो सरकारों से, जो उन्होंने दो सरकारों ने भुगतान किया उससे अधिक है, केवल 4 वर्षों की उपलब्धि। और दो नई मिले नया सेटअप लगाकर उनको चालू करने का काम किया। चीनी मिलें घाटे में थी, इसलिए जो है किसान का भुगतान नहीं हो पा रहा था, उसके पीछे कई कारण थे। जब हम नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आएंगे तो निश्चित ही घाटे में वो चलेंगी। अब जो हम नया प्लांट लगा रहे हैं उसमें चीनी बनेगी, डिस्लरी का प्लांट लगेगा, पावर प्लांट भी रहेगा और एथनॉल का भी रहेगा। यानी मार्केट में जितनी चीनी की आवश्यकता उतनी ही चीनी हम बनाएंगे। पहले केवल चीनी ही बनती थी चीनी मिल में, उसके बाद जो हमारा गन्ना बढ़ता है उससे हम एथनॉल बना देंगे। आज डीजल पेट्रोल में हिंदुस्तान में 22% एथनॉल की मात्रा मिलाई जा रही है। इससे हमारे देश को भी लाभ हो रहा, कच्चा तेल विदेशों से कम मंगाना पड़ रहा है। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ हम आए हैं, अब किसानों की रुचि बढ़ रही है, अब चीनी मिलें घाटे पे नहीं रहेंगी, इसलिए जितनी चीनी की आवश्यकता उतना चीनी उत्पाद करेंगे, बाकी हम एथनॉल बना देंगे। साथ साथ में पावर प्लांट है, डिस्लरी भी है, तो जब चीनी मिलें घाटे में नहीं रहेंगे तो किसानों का समय से भुगतान भी होगा और क्षेत्रफल भी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर वर्ष हमारा गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा।